हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर बीएचयू में एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, चाहे वो यूईटी कोर्स हो या पीईटी कोर्स हो, एक चीज़ तो ऑलमोस्ट फाइनल हो ही चुका है कि इस बार सीयूईटी होकर रहेगा, लेकिन इसी वजह से जो है कुछ वीडियोज़ अभी नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि इसमें काफ़ी सस्पेंस क्रिएट हो रखा है। लाइक अगर भाई देवी कोई वीडियोज़ बनाए और आप अगर सस्पेंस में आ जाए तो आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है। मगर ये कि मैंने अब तक जो वीडियोज़ बनाए हैं उसमें आपको रिलेट करके बताया कि देखो सीयू सेट का क्या सिलेबस रहा है लास्ट ईयर का और बीएचयू का सिलेबस क्या रहा है, उसी हिसाब से ही मैंने आपको सिलेबस के हिसाब से आपको किस कोर्स में कैसे एडमिशन का प्रोसीजर उसके बारे में मैंने बताया। तो अगर आप उस हिसाब से वीडियो चाहते हैं, मतलब किसी कोर्स सेपरेट कोर्स पे वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा। लेकिन यह है कि मैं आपको रिमाइंड करना चाहूँगा, अगर आने वाले 10 to 15 डेज़ के अंदर में ये सारी चीज़ें जो भी आपके सस्पेंस है वो क्लियर हो जाएंगे, लेकिन इस 10 to 15 डेज़ के लिए अगर आप चाहते हैं कि अलग अलग सेपरेट टॉपिक पर वीडियोज़ आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उस पर वीडियो ज़रूर आएगा। अब आप सवाल यहाँ पे होगा कि सर तैयारी कैसे करें, जैसे मान लीजिए कि अगर आपका बीएचयू का एंट्रेंस होता है तो इसका तैयारी कैसे करें, चाहे वो सीयू सेट के साथ या बीएचयू का अपने के साथ अगर हो, जैसे भी हो, लेकिन तैयारी कैसे करें उसके बारे में। तो एक तो सबसे पहला ये आपको करना, आज के टाइम में आप दो काम कर सकते हैं। एक तो ये कि बीएचयू का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, सिंपल गूगल पर सर्च कर लेंगे बीएचयू और सर्च करने के बाद आपको ये आइकन दिख रहा है, एक तो ये वेबसाइट है, दूसरा ये, तो आपको इस पर जाना है। इस पर जैसे जब इस पर क्लिक करेंगे न्यू आइकन इस तरीके से ओपन होगा। इस वेबसाइट पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, आप इस वेबसाइट पे आकर जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। एंड इसके अलावा जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कि यहाँ पे जैसे अगर कोई यूईटी के लिए अप्लाई करना चाहता है तो कौन कौन से कोर्स है वो आपको यहाँ से दिख जाएंगे, मतलब इसमें, इसके अलावा पीईटी में आपको यहाँ से दिख जाएंगे, ये सीन है। तो काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको मिल सकता है। बाकी ये कि दूसरा इन्फॉर्मेशन आपको एनटीए के वेबसाइट पे जाना है, सीयू, एक तो एनटीए के डायरेक्ट वेबसाइट पे जाइए, दूसरा cuset.nic.in वाले वेबसाइट पे जाकर भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब सवाल होगा कि सर तैयारी कैसे करें। देखिए सबसे पहले ये कि ये जिस पेपर में आप देना चाह रहे हैं उस पेपर के बारे में डिटेल निकाल लीजिए। उसके लिए मैं, अगर आप किसी खास टॉपिक वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, लेकिन उसमें सबसे पहले ये कि उसका फोकस करना है कि सिलेबस क्या है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और उसका एरिया क्या है, मतलब कहाँ से पूछा जा रहा है। अब जैसे कि अभी जो बात चल रहा है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक की बात करें, लेकिन ओवरऑल ये है कि अगर अभी बड़ा सिंपल ये कि आप जिस कोर्स का जैसे तैयारी कर रहे हैं ना, बिल्कुल ऑलमोस्ट वैसे ही आपका एंट्रेंस एग्जाम, कोई खास फ़र्क नहीं देखने को मिलेगा। फ़र्क बस यही देखने को मिलेगा कि अब वो पेपर सेपरेट हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए किसी को पॉलिटिकल साइंस देना है तो ठीक है, सिर्फ पॉलिटिकल साइंस रहेगा, बाकी जो है जो 10 सब्जेक्ट पढ़ना या 6-7 सब्जेक्ट और पढ़ना पड़ता था, लाइक जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये सब वो आपके ऊपर है, आप चाहे तो पढ़िए या तो नहीं पढ़िए, आपके चॉइस के ऊपर हो जाएंगे। बाकी ये है कि लैंग्वेज टेस्ट जो कि ऑलरेडी होता ही था तो लैंग्वेज होगा, इसके अलावा करेंट एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ये सब तो आपको देखना ही होता था चाहे वो किसी भी कोर्स में दे, तो ये मतलब ये यूजी कोर्स की बात करें तो ये आपको देखना ही होता, तो आप इस हिसाब से तैयारी करिए। तो ये है कि आप कहेंगे सर किस टॉपिक पढ़े किस टॉपिक नहीं पढ़े, बेहतर है कि जो टॉपिक आपको लगता है उसको पे ध्यान दीजिए। जैसे जीएस वाला एक सेक्शन है जो फिक्स है, इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा, तो इस पे आप अच्छे से दबा के पढ़िए, बिल्कुल आपको आराम से अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। बाकी ये है कि बस जो अपडेट आता है उसको लेकर थोड़ा सा अपडेट, लेकिन ये कि अभी आप बैठिए नहीं, मैं इस साफ कहना चाह रहा हूँ, अभी से ही आप अपनी तैयारी बिल्कुल पीक पर रखिए। तैयारी करने का मूल मंत्र सबसे पहला ये कि एक अच्छा सा प्लानिंग बनाइए और उसके साथ साथ अपना प्रायोरिटीज डिसाइड करिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद आपको रिवीजन के साथ साथ प्रैक्टिस करना है, ऑनलाइन सोर्सेज का भी यूज़ करना है, लाइक एमसीक्यू रिलेटेड, क्योंकि आपका पूछा जाएगा एमसीक्यू, ये थ्योरी तो पूछेगा नहीं, तो आपको उसी हिसाब से चलना होगा। बाकी आने वाले जो भी अपडेट आते हैं उसको लेकर अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।